नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा, आपका फेवरेट शो। आज ले लेते हैं थोड़ी सी क्वेरीज, क्योंकि क्वेरीज लेना बहुत जरूरी है। संडे तक में सारी कवर करनी है, कई सारी हैं। तो सबसे पहले क्वेरी हम ले लेते हैं योगेंद्र दवार सर की, जिन्होंने बोला कि सर लाइक एंड जो सब्सक्राइब कर दिया। ओके, अगला बोल रहे सर, वर्तमान में कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? मैं 5,000 रुपए की SIP महीने में शिप करना चाहता हूं 15 साल के लिए, कृपया सलाह दें। तो इन्होंने ये किया हुआ है, 2-3 दिन पहले डाला था। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने निवेश के बारे में सोचा है, क्योंकि बचत के बारे में अगर आदमी ने सोचना शुरू कर दिया कि समझो उसने अमेरिकी पहली यात्रा पहला कदम बढ़ा दिया है। अगला स्टेप अगर अगले ने अपने आप को माइंडली तैयार कर लिया है कि यस मुझे निवेश करना है। निवेश मींस क्या हुआ कि आपको भरोसा है किसमें? भारत देश की GDP में, भारत देश के कंपनियों में, भारत देश के सरकार में, आपको वहां पर भरोसा है। अब उस भरोसे के लिए मेन बात क्या होता है कि ये बात लोग भूल जाते हैं और उस चीज का शायद ध्यान नहीं करते हैं। उस पर भी मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, या इकट्ठा होने के लिए, या कंपाउंडिंग लगने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छा किया है कि यस आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि मैं इतने पर निवेश करूंगा। दूसरा, आपने अपना टाइम होराइजन फिक्स कर दिया है कि मैं अब निवेश इस पर करूंगा। रही बात अमाउंट की, अमाउंट कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता है। 5,000 का एक आपका बहुत बढ़िया अमाउंट है। मैं इसको आपको तरीके से बताता हूं आप इसको कैसे करें। सबसे पहली बात आप ये मान लीजिए कि फंड के सिलेक्शन करते समय आपने NFO में नहीं जाना। NFO मतलब न्यू फंड ऑफर जो होते हैं, नए फंड में नहीं जाने हैं, क्योंकि नए फंड ने चढ़ाव उतार नहीं देखे हैं। उसके जो शेयर्स उसका फंड मैनेजर सेलेक्ट कर रहा है वो कसौटी पर अजमाए हुए नहीं है। तो सबसे पहले 5 साल 7 साल 10 साल का पुराना फंड आप देखिए। डिफरेंट कैटेगरी के, 3 कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूं, तीनों कैटेगरी के आप फंड सेलेक्ट कर लें, ठीक है? 15 साल का है, आपका बहुत अच्छा टाइम है और इस टाइम पर कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आऊंगा मैं आपको, अभी बताता हूं आपको। सबसे पहला है आप फंड के सिलेक्शन में 5 साल से अबव का फंड देख ले, रिटर्न के पीछे ना भागे। फंड का खाली आप अगर आप सेलेक्ट कर पाते हैं तो एक चीज देखिएगा कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस फंड का बढ़िया है। मतलब जब सब कुछ अच्छा होता है तो उस समय तो सारे अच्छा कर देते हैं, लेकिन जब समय बुरा होता है उस समय किस फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है, जिसने कि प्रोटेक्शन बढ़िया लिया है, वो फंड द बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब विषम परिस्थिति में जो आदमी लड़ लेता है ना, वो अच्छे समय में तो सरवाइव कर ही लेता है। तो वही हाल फंड का भी होता है और ये बात बड़े ही मार्के की बात है। कैटेगरी मैं आपको बताऊं, पहली कैटेगरी जो आप पहला फंड सेलेक्ट करेंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करेंगे, पहला फंड। अब आप बोलोगे सर दुनिया तो स्मॉल कैप मिड कैप बोल रही, आप मेरे को फ्लेक्सी कैप के बारे में बता रहे हो। यस, सबसे पहली बात मैं बताऊं, कहीं पर भी ना सुरक्षात्मक कदम सबसे जरूरी होता है, समझ रहे हो? अब देखो हर चीज का एग्जाम्पल हमारे पास ही है। जोखिम है, आप जानते हो बाजार जोखिम के अधीन है, गिरावट इसमें हो सकती है। उस गिरावट के समय आपको पेन हो सकता है, वो भी कौन सा पेन हो सकता है? मानसिक पेन हो सकता है, दिल का पेन हो सकता है। पेन मतलब उस समय घंटी बढ़ जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। भाई किसी का भी पैसा अगर थोड़ा सा डाउन जाता है तो ये बात सही है। तो फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे आप बाइक राइड के लिए जाते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? आपको पता है कि मैं जोखिम में जा रहा हूं तो आप हेलमेट लगाते हो ना,
आप कार पर बैठते हो, सबसे पहला टास्क जो आपको दिया जाता है सेफ्टी रोड के सेफ्टी के नॉर्म्स में, वो क्या दिया जाता है, सीट बेल्ट आप लगाइए, आयल पानी ब्रेक वगैरह चेक कीजिए, उसके बाद में फिर मार्च करिए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करिए। तो इन चीजों को बहुत ही बेसिक के साथ आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े प्यार से पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने सबसे पहला फंड जो है फ्लेक्सी कैप, उसमें आप कुछ मत करिए, 1000 रुपए की एसआईपी का कोई भी फंड मिल जाएगा, लेकिन इनिशियल आपको क्या करना है, 5000 रुपए लगेगा। किसी भी फंड में डायरेक्ट करेंगे तो इनिशियल आप 5000 रुपए वहां पर डाल दीजिए, 1000 रुपए की आप अपनी एसआईपी फिक्स कर दीजिए। क्लियर हो गया गुंदर सर? उसके बाद में अगला आप एक अच्छा सा मिड कैप ले लें, जो कि थोड़ा सा कम रिस्क की है, जोखिम को कम कर देता है, और ये मिड कैप फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की तरफ मूव करने के लिए अग्रसर रहती हैं। यही कंपनियां आगे चल करके आगे जाएंगी और रिटर्न भी इनका ठीक ठाक होता है। तो आप 2000 रुपया किसी एक मिड कैप फंड में डाल दीजिए। तीसरा फंड आप सेलेक्ट करेंगे, वो आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में भी ध्यान रखिएगा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये और ज्यादा थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। तो अगर आपने इन चीजों को समावेशित करके, थोड़ी सी मेहनत करके, और आपने अपने फंड का सिलेक्शन सबसे पहले कर लिया, अपना गोल तो आपने सेट कर ही लिया है, टाइम आपने दे दिया, टाइम आपका डिसेंट है, तो यस आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। और जुगाड़ी टास्क तो आपको टाइम टू टाइम करता रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग बढ़िया होनी चाहिए। स्टार्टिंग बढ़िया हो गया तो आपका दिल बढ़िया मजबूत हो जाएगा। दूसरा, उतार चढ़ाव के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। कोई भी इसमें संशय वाली बात नहीं है कि उतार चढ़ाव अगर आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने फंड को ढूंढ लेंगे। फंड ढूंढने के लिए मैं आइडियाज भी आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर या वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर फंड ढूंढिएगा, उस जो है उस कैटेगरी का, उसमें से आप जो आपको समझ में आता है तीन तीन चार चार फंड छांट लें। टिप पर नहीं जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं, टिप पर नहीं जाइएगा जो है योगेंद्र जी, खुद का सिलेक्शन करिए, कोई भी उसमें नहीं होता। एक बार आपने खुद के सिलेक्शन से कर दिया, आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, यस मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है। उसके बाद में आपने वो करने के बाद में एक एडवर्टाइज खोज करके होती है, खोज करके ऐप है जो कि मैं यूज करता हूं, तो एडवाइजर खोज, तो उसको आप उसमें लेंगे। उसमें आप उस कैटेगरी के जो आपने तीन फंड मान लिया, जैसे आपने फ्लेक्सी कैप के तीन फंड छांटे हैं, उनको आप कंपेयर करके डाल दीजिए तीनों फंड्स को। वो आराम से आपका उसका पूरा डाटा आपको निकाल करके आपके सामने रख देगा, उसको आप टिक करते जाइए। 2-3 दिन टाइम दीजिए तसल्ली से, एक एक फंड एक एक दिन में, जिस दिन आप छुट्टी पर हैं रिलैक्स, उस दिन आप ढूंढें। उसके बाद में ऐसे आप एक फंड मिड कैप का छांटिए, ऐसे आप एक फंड किसका छांटिए, स्मॉल कैप का छांटिए। वहां से उसकी जो जो अपना पैरामीटर्स है आप उसको टिक करते जाइए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, रिटर्न के पीछे नहीं भागिएगा, रिटर्न के पीछे देख करके या किसी की टिप के पीछे देख करके नहीं भागिएगा। इस तीन चांस से अगर आप अपने फंड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेट है आप एक अच्छे इन्वेस्टर माने जाएंगे। बस टाइम टू टाइम मैं आपको बताता तो रहूंगा ही, और आप इतने नेक दिल इंसान है कि आपने बोला सर मैंने अभी कर दिया, इसलिए मैं बोला नहीं भाई की क्वेरी को जरूर कवर किया जाएगा। भाई को कम से कम बेसिक्स कोई भी छांटेगा, मैं भी अगर आपको छांटूंगा तो इसी प्रक्रिया से छांट कर, हालांकि मैं चाहूं तो कुछ फंड्स का नाम बता सकता हूं, बट वो उचित नहीं होगा। आप इस चीज को मानिए गंदर जी, आज के जमाने में किसी फंड का, किसी शेयर का नाम लेना, प्रमोशन करना, वो सब बहुत ही गलत है। जो तरीका है वो आपको मैंने बता दिया, इस तरीकों को बहुत सारे लोग अडॉप्ट करेंगे तो सोचिए कितने लोगों का भला होगा आपके बहाने। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत आने से आप जरूर इसकी क्वेरी में डालिए, आप अगेन आपकी मदद करी जाएगी, डेफिनेट है मदद करी जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू, बस एक क्वेरी और लूंगा उसके बाद नहीं।
धनंजय सिंह जी पूछ रहे हैं क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी क्वांटम जैसा केस हो सकता है। देखिए धनंजय सिंह जी, ऐसा है कि इस बात की संभावना से इंतजार इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं पर भी चाहे किसी का भी नाम बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिएगा विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में पीएनबी के बैंक जैसा जो कि नेशनल का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल बैंकों का बैंक है वो धड़ाम हो गया था आपके सामने है भाव साहब। तो कहा नहीं जा सकता कुछ भी कि अंदर खाने क्या चल रहा है। सपोज करो इन्होंने अपने नाम के पीछे फेम के पीछे ठीक है टॉप मोस्ट की सबसे बड़ी वो है इसका एएमसी है असेट मैनेजमेंट कंपनी ही इसको बोलते हैं तो लेकिन क्या है अभी मान लिया इनका अब ये सरकार के दबाव में तो काम तो कर ही रहे होंगे। अब किस उद्योगपति को इन्होंने कितना जो है वो दे रखा है ऋण दे रखा है या इनका एनपीए कितना हो जाए एनपीए समझ रहे हैं तो जो कि मतलब ये उगाही ना कर पाते हैं उस अमाउंट को बोला जाता है एनपीए बोला जाता है ठीक है ना। तो जो कि मतलब इनका उसमें चला जाता है बट्टे में चला जाता है बट्टा जो, जो, जो वो तो समझ रहे होंगे ना तो इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है। बट फिर भी कभी भी देखिएगा मेरे वीडियोज में मैं हमेशा एक ही बात बताता हूं कभी भी किसी भी एएमसी के एक फंड से ज्यादा हमने दूसरा फंड नहीं लेना है तीसरा फंड हमने नहीं लेना है। अगर आप इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो अगले में थोड़ा बहुत अगर डिस्प्यूट आता है तो बाद में रिजाल्व तो हो ही जाएगा लेकिन जितने दिनों के लिए उसमें डिस्प्यूट आएगा तो हमें एक तो सुकून रहेगा कि बाकी वाले फंड हमारे कर रहे हैं और हमारी जो इन्वेस्टमेंट की यात्रा है जो हमने अमेरिकी यात्रा शुरू करी हुई है उसमें वो एक बाधा बन करके रह जाएगी उससे हमारे पास वो कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल नहीं बनेगा कि उसको वो नहीं हटा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो जब तक हमें बाधित करता है हम रूट को डाइवर्ट करके क्योंकि हमारे पास कई सारे रूट है वहां पर हम अपना स्टार्ट कर देंगे मीन्स वहां की हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे उसको बोलेंगे भाई तब तक इसको इस अवरोध को हटने दो मतलब रास्ता क्लियर होने दो। जैसे फॉर एग्जांपल तो अपने पास ही है जैसे किसी रूट में रेलवे की रूट वगैरह में देखते हैं कभी एक ट्रैक पर अगर बाधा आ जाती है तो दूसरे ट्रैक से लोग निकल देते हैं तो दूसरा ट्रैक ही नहीं बना होगा तो आप कैसे जाएंगे। इसलिए कभी भी बाबू साहब एक के ऊपर ये आज के समय पर वो जमाना नहीं रहा जैसे हम लोग अवधि लोग उन बातों का बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि अवध का है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए तो लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा है हम लोग बेशक उसको पालन कर लेंगे लेकिन बिजनेस की दुनिया में लोग नहीं पालन करते हैं ठीक है ना। और रही बात इन्वेस्टमेंट बिना किए हुए बात चलेगी नहीं सबको पता है कि रोड पर आज मैं रोड का एग्जांपल देना चाहूंगा रोड पर कोई भी अनहोनी हो सकती है लेकिन फिर भी लोग सेल्फ मारते हैं चल देते हैं तो डोंट वरी। बट अगर सारे फंड आपके अगर एक ही एमसी में है तो उसमें अच्छा सा फंड होकर के उसको कुछ नहीं करना है उसको आपने वहीं पर ही स्विच कर देना है रिडीम नहीं करना है स्विच करके दूसरी एमसी का फंड ले लीजिए क्या दिक्कत है वहां पर एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए जो तीन फंड चार फंड पांच फंड आपने करना है वो अलग अलग एमसी का अलग अलग और केवाईसी आपने एक जगह पर कर दिया अगली जगह पर कोई दिक्कत नहीं आएगी केवाईसी की आप टक से जैसे अपना डिटेल डालेंगे आ जाएगा आज के टाइम पर क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं कैंप से रिलेटेड होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भी ये बात समझ में आ गई अगर है आपका एक एमसी में फिर आपको एडवाइस करूंगा कि कभी भी अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो ठीक है ना। कि किसवीं सदी है और जोखिम उतना ही लेना है जितने पर हम चल सके दिल दिमाग हमारा सुकून से रह सके। तो आज अब उसके बाद में और नहीं लेंगे क्वेरीज कल है संडे तो कल फिर जो है संडे के दिन बाकी क्वेरीज को कवर करेंगे और एक आध बड़ी प्यारी प्यारी क्वेरीज आई हैं लेकिन अब वो जल्दी इस बीच में आई हैं तो उनको भी लेंगे काफी सारी आती रहती है और कुछ ऐसी हो जाती है कंबाइंड हो जाती है आप लोग जानते ही हो। बाकी ठीक है आज तो मार्केट बंद है कोई उसमें न्यूज है नहीं और एक्चुअली रात में आज मैं भी सो गया था तो अमेरिका की महंगाई का आंकड़ा आया होगा अब उस महंगाई के आंकड़े को हमने देखा नहीं है शाम को जरूर बताऊंगा उसको भी देख करके अगर वो महंगाई का आंकड़ा पॉजिटिव आया है तो मंडे को मार्केट पॉजिटिव जाएगी अगर वो एक्सपेक्टेशन से मुताबिक
नहीं आया है या उससे ज्यादा आया है, बियॉन्ड आया है, तो समझ लीजिए मार्केट डाउन जाएगी। और अगर सही आया है तो फिर अप जाएगी, अंडरस्टूड सी बात है। और फिर बजट की रैली को जरूर एंजॉय करेंगे, तो यूएस की महंगाई का आंकड़ा जरूर प्रभावित करेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि इंडिया है ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे व्यूअर और जो सब्सक्राइबर उन चीजों को अच्छे से जानते हैं कि अगर अमेरिका में कुछ घटित होता है तो हमारे मार्केट पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम लोग आजकल ग्लोबली हो गए हैं और यूएस को जरूर सारी मार्केट्स फॉलो करती है, हम ही नहीं फॉलो करते हैं, बट एब्जॉर्ब करने की हमारी क्षमता और मार्केट से ज्यादा है। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ यार अगर जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर और जो है सब्सक्राइब वगैरह जरूर किया करो। बाकी कमेंट्स वगैरह जितने करते हो उसका मैं पक्का कोशिश करता हूँ कि आपकी जिज्ञासा को जरूर शांत किया जाए। थैंक यू वेरी मच।